यार ये तो मुंबई की खासियत है दोस्तों, ट्रैफिक ही तो मुंबई की खासियत है दोस्तों। ये एक सस्ता मार्केट है, यहाँ आपको कोई भी चीज अच्छी चीज मिलेगी और सस्ते भाव में भी मिल जाएगी। भाई जो लोग यहाँ आए होंगे उनको यार मेरे पीछे का बैकग्राउंड देख के पता चल गया होगा कि हम कहाँ पे हैं। दिखा दो, 3, 2, 1। सो फ्रेंड्स, अभी देख रहे होगे मैं एक हाईवे पे हूँ अभी जो टूवर्ड्स बॉम्बे जाता है। तो आज का हमारा डेस्टिनेशन है बॉम्बे, आज जा रहे हैं बॉम्बे। यार मैं पहली बार जा रहा हूँ मुंबई की तरफ, वहाँ जा रहे हैं घूमने, देखेंगे वहाँ क्या है। देखने लायक तो यार बहुत कुछ है, लेकिन आज के दिन में हम क्या क्या देख पाते हैं वो देखते हैं। अभी एक पेट्रोल पंप के पास खड़े थे तो सोचा कि इस वीडियो को फटाफट से शुरू कर लेता हूँ। घर से सुबह में जल्दी में निकले थे और अंधेरा भी काफ़ी था, सो मैं वीडियो को स्टार्ट नहीं कर पाया था। तो मैंने सोचा कि वीडियो को यहीं पे स्टार्ट कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने रास्ते में कुछ शॉट लिए थे, बहुत ही दोस्तों फॉग बोलते हैं, बहुत ही ज़्यादा फॉग थी दोस्तों रास्ते में, मैंने उसके कुछ शॉट लिए थे, आप वो एंजॉय कर लो। मैं आपको डायरेक्टली मिलता हूँ बॉम्बे जाकर, वहाँ हम जो भी देखेंगे जो भी करेंगे वो सब आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, मिलता हूँ मैं आपको डायरेक्टली बॉम्बे जाकर। So friends, finally we are in Mumbai, yeah! दोस्तों सही में आज मैं पहली बार बॉम्बे में आया, एंड आते ही दोस्तों यार ट्रैफिक ने बढ़िया तरीके से स्वागत किया है। यार क्या करे, सुबह सुबह में भी इतना ट्रैफिक, यार ये तो मुंबई की खासियत है दोस्तों, ट्रैफिक ही तो मुंबई की खासियत है। तो दोस्तों आज आते ही ट्रैफिक ने तो स्वागत कर ही लिया है। अभी हम है वसई में, तो फ्रेंड्स अभी वसई में होटल फाउंटेन करके एक जगह है, वहाँ पे थोड़ा रेस्ट करने के लिए रुके थे, सोचा थोड़ा नाश्ता वास्ता कर लेते हैं, थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। एंड दोस्तों मुंबई की खास चीज़ जो ट्रैफिक है यार, उसका आवाज़ सुनो आप, यार इसके तो मज़े है यहाँ पे, यही तो है दोस्तों असली मुंबई। तो यहाँ पे थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, फिर आगे कहाँ पे जाते हैं वो तो मुझे भी नहीं पता, कहाँ कहाँ जाना है वो मुझे भी नहीं पता। जहाँ जहाँ जाएंगे आपको ज़रूर घुमाएंगे, आपको आज हर चीज़ दिखाऊंगा जो मैं देखूंगा। दोस्तों सच में मुंबई में पहली बार आया हूँ, लेकिन मुंबई में आके दोस्तों बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो चलिए अभी थोड़ा सा नाश्ता पानी कर लेते हैं, फिर यहाँ से आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, अभी चाय नाश्ता कर लिया है, थोड़ा सा फ्रेश भी हो चुके हैं, अभी जाने वाले हैं यहाँ से आगे, भी कहाँ जा रहे हैं वो तो नहीं पता, लेकिन जहाँ भी जाएंगे आपको भी साथ में लेकर चलेंगे। सो फ्रेंड्स, अभी टाइम हो चुका है सुबह के 10:15। सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद जय भारत के साथ आप सभी को मेरा हेलो। मैं हूँ अर्थ और आप सभी देख रहे हैं आप सबकी अपनी चैनल लिमिटलेस ब्लॉगर। तो दोस्तों बने रहिएगा मेरे साथ, आज आपको इस वीडियो में पूरा मजा करवाने वाला हूँ, पूरा मुंबई दिखाऊंगा, जहाँ जहाँ मैं जाऊँगा वो सारा आपको ज़रूर दिखाऊंगा। तो इस वीडियो में बने रहिएगा और इस वीडियो को पूरा देखिएगा। एंड दोस्तों अगर यहाँ तक वीडियो देखा है, अगर यहाँ तक का भी वीडियो पसंद है तो वीडियो को जल्दी से जाके कर दो लाइक, वीडियो को कर दो शेयर अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए दोस्तों अभी यहाँ से निकलते हैं, तो अगर रास्ते में कुछ होगा तो रास्ते में दिखाऊंगा, वरना तो जिस लोकेशन पे जा रहे हैं वहाँ जाके आपको डायरेक्टली वहाँ मिलता हूँ।
सो फ्रेंड्स, वी आर इन मुंबई सेंट्रल नाउ। मुंबई सेंट्रल पहुंच चुके हैं दोस्तों। अभी हमने कार पार्किंग में लगा दिया। और दोस्तों ये मुंबई सपनों का शहर दोस्तों, यार सही नाम दिया गया है। सही में सपनों का शहर है दोस्तों। ये क्या बढ़िया बढ़िया चीज़ें हैं दोस्तों यहाँ पे देखने के लिए। मैं तो यार यहाँ की बिल्डिंगें देखकर ही खुश हो गया। मतलब कुछ विचार से ही बाहर है दोस्तों। ऐसी चीज़ ना कभी देखी है ना कभी देखेंगे। सो फ्रेंड्स, अभी हम जा रहे हैं हाजी अली दरगाह, जो यहाँ मुंबई सेंट्रल में आती है। तो अभी हमने कार पार्किंग में लगा दिया। एंड दोस्तों एक और बात कि आपने जो भी सिनेमैटिक्स देखे होंगे वो पीछे से देखे होंगे, क्योंकि हम जो 9 सीटर कार आती है वो लेके आए थे, तो उसमें मैं पीछे की साइड बैठा था। सो आपने यार जो भी सिनेमैटिक्स आपको देखने मिलेंगे वो पीछे से होंगे, मतलब उल्टे ही समझ लो आप। पर दोस्तों यार गजब चीज़ है ये मुंबई, मतलब सही में सपनों का शहर है। तो दोस्तों अभी हम जा रहे हैं दरगाह पे। अगर दरगाह पे अंदर फ़ोन ले जाने की परमिशन होगी तो मैं आपको अंदर का वीडियो ज़रूर दिखाऊंगा, नहीं तो बाहर से ही आपको दिखा दूंगा। तो चलिए डायरेक्ट मैं आपको मिलता हूँ दरगाह पे जाके। सो फ्रेंड्स, रोड की दूसरी साइड जाने के लिए यहाँ पे एक बढ़िया सा अंडर पास है। और दोस्तों अंडर पास के अंदर भी छोटा सा मार्केट है यार, गजब चीज़ है। आप ये देखो पहले, आप चेकआउट कीजिए ये सब। दोस्तों जैसे एक ज्वेलरी शॉप ही बना के रख दी इधर, मतलब यार गजब चीज। सो फ्रेंड्स, वी आर एट हाजी दरगाह, हाजी अली दरगाह, सॉरी, वी आर एट हाजी अली दरगाह। दोस्तों अभी अंदर जाते हैं। अगर अंदर फ़ोन अलाउ होगा, अंदर वीडियो बनाने मिलेगा, तो आपको सिनेमैटिक्स देखने को मिल जाएंगे, वरना तो आप यहीं से दुआ कर लो। दोस्तों अभी तो हम अंदर आ चुके हैं, तो आप देख लो, अगर अंदर फ़ोन अलाउ होगा तो आपको उसके सिनेमैटिक्स मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अभी दरगाह के अंदर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, उसकी वजह से अंदर जाने की परमिशन तो नहीं थी, लेकिन जो भी आपने सिनेमैटिक शॉट्स देखे हैं बस वहीं से भी हमने दुआ करी है, वहीं से हमने दर्शन करे। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर बताना, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। अभी दोस्तों यहाँ थोड़ी देर समंदर के पास बैठते हैं, फिर यहाँ से आगे जाएंगे। यहाँ से शायद गेटवे ऑफ इंडिया ही जाएंगे। अभी देखते हैं कहाँ जाना है, कुछ तय नहीं है, लेकिन जहाँ भी जाएंगे आपको साथ में ज़रूर ले चलेंगे। तो आप तब तक और दूसरे सिनेमैटिक शॉट एंजॉय करो यहाँ समंदर के, फिर कहीं और आगे जाएंगे।